वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको क्लास इलेवेंथ का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है। तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस डैट स्टडी द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर का जो कंपोजिशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसमें कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे वो जुड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हो गया H2SO4। तो H2SO4 का अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और सब कौन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, सल्फर एक और ऑक्सीजन कितना है, चार। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है और इसका कौन सा कितना एटम है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ये दिया हुआ है, इसी इसको बोलते हैं कंपोजिशन। फिर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये जो कंपाउंड बना इसकी क्या प्रॉपर्टी, जैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है ये एसिड होता है। ठीक है, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसके और भी डिटेल प्रॉपर्टी में जानते हैं। फिर इंटरेक्शन में ये होता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर इंटरेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का जो कंप्लीट स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले तो था केमिस्ट्री का डिफिनीशन। अब जो पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है कि अब हमें जानना है कि ये मैटर क्या होता है। ठीक, तो अगला हेडिंग पढ़ते हैं मैटर। इसके बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है आपको लोअर क्लासेज में, फिर भी यहाँ पर भी दोबारा आपको स्टडी करना है इसको। तो मैटर क्या है, मैटर का डिफिनीशन होता है कि एनी थिंग्स विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या थिंग्स जो क्या करे, जिसके जिस पे क्या हो, मास हो और वो क्या हो, स्पेस को ऑक्युपाई करे। ठीक है, तो उसे बोल देते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, तो मैटर का डिफिनीशन अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या होगा कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या हो, कुछ मास होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मैटर। मैटर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। तो ये हो गया आपका मैटर। अब मैटर का हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो मैटर को अगर क्लासिफाई करना चाहें तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर के क्लासिफिकेशन दो टाइप से कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैटर का, तो अगर मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर जो होता है तीन टाइप्स के होते हैं। वो तीन टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये तीन टाइप के होते हैं। अब हमें देखना है कि केमिकल क्लासिफिकेशन में ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल पूरा क्लियर एक एक करके पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसका क्लासिफिकेशन करा देते हैं और उसके बाद फिर एक एक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ये दो टाइप्स के होते हैं। तो ये दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जिसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इसका क्या फर्दर क्लासिफाई करते हैं, तो प्योर सब्सटेंस भी अब दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। तो पहला एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट वापस इसको क्लासिफाई करते हैं तीन में। अब जो यहाँ कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप से क्लासिफाई होता है, एक को बोलते हैं एलिमेंट, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। जो एलिमेंट होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और कंपाउंड दो टाइप्स के होंगे, एक होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसी तरह से मिक्सचर, जो मिक्सचर है ये दो टाइप्स के होते हैं, पहले मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, जीनस
मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ एक बार दोबारा बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, मैटर का जो है दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप से क्लासिफाई करेंगे इसको, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स का होगा, एक को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे को बोलते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। उसी तरह मिक्सचर को भी दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब जो एलिमेंट है वो तीन टाइप का होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड्स जो है दो टाइप्स के होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमें क्या करना है, इस सबके बारे में एक एक के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में और सब एक एक के बारे में सारा डिटेल हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस क्या होता है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंस हमें देखना है। तो सबसे पहला डिफरेंस इसमें देखेंगे, इसको बोलते हैं इसका शेप कैसा होता है, फिक्स होता है या फिक्स नहीं होता है, जिसको डेफिनेट या नॉन डेफिनेट बोल सकते हैं। तो जो सॉलिड होता है इसका क्या होता है, फिक्स होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं डेफिनेट, डेफिनेट शेप होता है, क्योंकि सॉलिड जैसा है, जैसे ये सॉलिड है तो एकदम सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसका शेप चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो सॉलिड का जो है शेप चेंज नहीं होता है, तो वो होता है फिक्स। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है, जैसे हम पानी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको पानी को जिस बर्तन में रखते हैं, जिस कंटेनर में रखेंगे, उसके शेप का जैसा हो जाएगा, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसका जो लिक्विड होता है उसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ये होता है नॉट फिक्स, या लिखेंगे नॉट फिक्स, या फिर लिख सकते हैं नॉट डेफिनेट। उसी तरह जो गैस है, गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, उसको भी जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का आकार का हो जाता है वो, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे नॉट फिक्स। तो पहला डिफरेंस तो तीनों में ये होता है कि इसका शेप का, कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है लेकिन लिक्विड और गैस का शेप फिक्स नहीं होता है। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, दूसरा होता है वॉल्यूम का। तो दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो होता है इसका फिक्स होता है, इसका भी फिक्स होता है और इसका फिक्स नहीं होता है। तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, जैसे बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड अगर हम एक लीटर लेते हैं तो उसको हम किसी भी बर्तन में रखेंगे तो शेप तो उसका चेंज होगा, लेकिन एक लीटर का एक लीटर ही रहेगा, ठीक है। इसलिए जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको अगर छोटी सी शीशी के अंदर रख देते हैं तो उसमें भर जाएगा, बड़ा बर्तन में रखते हैं तो उसके अंदर पूरा वो फैल जाएगा, ठीक है, या फिर शीशी खोल देते हैं तो कमरे में पूरा फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन शेप की बात करेंगे तो शेप जो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का फिक्स होता है। तो ये दो डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस इसमें देखते हैं कि जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, या फिर बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इस शेप स्पेस को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो हमें देखना है कि इंटर मॉलिक्यूलर, सबसे पहले तो ये जानना है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता क्या है। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम पास पास सटे हुए होते हैं, इस तरीके से इनके बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है। ये पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ है, तो इनके बीच गैप नहीं होता है, ठीक है। और अगर इनके बीच अगर गैप है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होता है, ये तो दो एडजेसेंट अगर पार्टिकल लेते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अगर यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, सॉलिड की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या है, आपस में सटा हुआ है, और सटा हुआ है तो इसका मतलब जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं नो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए होते हैं। तो अगर ये भी सटे हुए हैं तो क्या होगा कि इसमें भी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ भी होता है नो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, और दूरी पे हैं तो इनके बीच क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक बार दोबारा बताते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, कि दो पार्टिकल हैं, तो ये जैसे ये दो पार्टिकल हैं, अब इनके बीच अगर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया, तो इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये सटा हुआ है तो यहाँ बोल देंगे कि इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब हो गया दो पार्टिकल के बीच की का डिस्टेंस, ठीक है। तो इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं होता है, और यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। अब इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है ये जानना है। तो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ये होता है कि ये दो पार्टिकल है इनके बीच अट्रैक्शन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन है इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये जितना ज़्यादा होगा इंटर मॉलिकुलर, ये पार्टिकल उतना ही पास जाएंगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये पार्टिकल क्या होंगे उतना ही एक दूसरे से पास चले जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम पास होते हैं। और पास क्यों होते हैं उसका रीज़न यही है क्योंकि इनका जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बोल सकते हैं मोर होता है, मतलब इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, मोर होगा या फिर लार्ज होगा, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो इसका भी इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा ही होता है क्योंकि ये इसके पार्टिकल भी पास पास होते हैं, लेकिन बट लेस देन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है, ठीक है। जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसका भी ज़्यादा होता है, लेकिन सॉलिड के कंपेयर करते हैं तो सॉलिड से कम होता है। और बात करते हैं अगर गैस की तो गैस में इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे नो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, नहीं होता, इसीलिए इनके पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ डिफरेंस। अब बात करते हैं पांचवा डिफरेंस की, तो डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ की अगर बात करते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड क्या है, अगर इसका वॉल्यूम देख रहे हैं तो वॉल्यूम, छोटे वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल आ सकता है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये ज़्यादा पार्टिकल आएंगे, जितना ज़्यादा पार्टिकल उसका ये मास उतना ज़्यादा हो जाएगा, इसको ये है मास है और ये वॉल्यूम है। तो अगर हम एक निश्चित वॉल्यूम ले लेते हैं तो निश्चित वॉल्यूम में जो मास होगा इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल होंगे, क्यों पार्टिकल ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। उसी तरह इसके पार्टिकल पास होते हैं तो इसकी भी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, बट लेस देन सॉलिड से कम होगा। और इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल दूर दूर हैं तो पर यूनिट में अगर बात करते हैं वॉल्यूम में तो इसमें पार्टिकल भी कम होंगे, पार्टिकल कम होंगे तो उसका मास कम होगा। तो अब सिक्स डिफरेंस की बात करते हैं, तो सिक्स डिफरेंस जो होता है इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल। तो अब कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि इसको अगर दबाया जाए, ठीक है, तो अगर ये दब जाता है तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल है, और नहीं दबे तो बोलते हैं नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो सॉलिड होता है, सॉलिड को अगर दबाया जाता है तो नहीं दबता है वो, ठीक है, जैसे ये सॉलिड है इसको दबाया गया तो ये नहीं दबा, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्यों नहीं ये दबते हैं, क्योंकि इनके भी जो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस है वो होता ही नहीं है, अगर होगा तभी तो ये दब के और पास आएंगे। तो इसकी जो कंप्रेसिबल है, ठीक है, ये क्या होगा, नॉन कंप्रेसिबल होगा, इसको बोलते हैं नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है। यहाँ पे ये भी होता है नॉन कंप्रेसिबल होता है, तो ये होता है कंप्रेसिबल, ठीक है। ये कंप्रेसिबल क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस है, तो इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिफरेंस, 6 डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। कभी भी अगर इस पर क्वेश्चन भी आता है तो 3 से 4 डिफरेंस ही पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ 6 बता दिए, आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये था टोटल फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमें देखना है जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था मैटर का, उसमें क्या था, सॉलिड था, उसके बाद लिक्विड, और तीसरा था गैस। तो इसमें हम सॉलिड से लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। तो अगर सॉलिड को कभी भी लिक्विड बदलते हैं तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं मेल्टिंग। अब अगर लिक्विड से गैस में चेंज होता है, कोई भी लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। जैसे अगर हम ले लेते हैं आइस, तो आइस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसी को बोल देते हैं मेल्टिंग, और वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। और फिर वाटर को दोबारा गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा कि अगर कोई गैस है तो गैस को हम वापस लिक्विड बदल सकते हैं,
ठीक है, तो गैस को वापस अगर हम लिक्विड बदल देते हैं या फिर लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, ये प्रोसेस भी होता है। तो गैस को जो लिक्विड में बदलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। ठीक है, उसके बाद अगर लिक्विड को सॉलिड में बदलते हैं, ठीक है, ये तो हो गया गैस से लिक्विड बदलते हैं लिक्विफिकेशन हो गया, और अगर लिक्विड को सॉलिड बदलते हैं तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल का, उसमें मेटल में क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस था, और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, वापस गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। इसके अलावा हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी पा सकते हैं, ठीक है। तो अगला एक प्रोसेस में और जानना है, सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस बना देते हैं, तो अगर सॉलिड से गैस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका, सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस बनाना, फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, और गैस से भी अगर हम लिक्विड बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन में ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, किसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन था। अब दूसरा में पढ़ना है कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो, तो मेटल का जो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेटल क्या होता है, दो टाइप्स डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। अब हमें जानना है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। जो प्योर सब्सटेंस होता है इसमें होता है कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि, तो प्योर सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि इसका क्या है कि कंपोजिशन फिक्स है, कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर कंपोजिशन फिक्स है तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। यहाँ लिखेंगे कि नॉट फिक्स। अब ये कंपोजिशन फिक्स और नॉट फिक्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि वहाँ पे मिक्सचर बता देते हैं कि जैसे हम यहाँ पे ले लिए वाटर, अब इसमें हम मिला देते हैं शुगर, तो वाटर में अगर शुगर मिलाते हैं तो क्या होगा कि हम एक चम्मच मिला सकते हैं, दो चम्मच मिला सकते हैं, चार चम्मच मिला सकते हैं। तो वाटर और शुगर का जो मिक्सचर हो गया, वाटर और शुगर का जो कंपोजिशन हो गया, इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, शुगर हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, रेशियो फिक्स नहीं है, तो इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं मिक्सचर। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सबका फिक्स होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं H2O का, तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो 1:2 का, ये हमेशा फिक्स होगा कि इतने रेशियो में ही ये मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं C6H12O6 हो गया, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6:12:6 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमेशा फिक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं होता है कि इसमें कितना पढ़ना है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो जो एलिमेंट होता है वो होता है एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो एलिमेंट को हम लिख सकते हैं कि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो एक ही टाइप के अगर पार्टिकल से बना हुआ है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट, और यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है। और उसके बाद कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप्स के, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये होता, कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन होता हो, डायरेक्ट कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब आते हैं ऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो सब हो जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगला ये जानना है कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जैसे एग्जांपल यही वाला लेते हैं, वाटर और शुगर, इसको जब मिलाते हैं, जब शुगर को इसे मिला दिए तो शुगर जो है इस वाटर में, पूरे वाटर में क्या होगा, ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा। पूरी तरीके से मिलने का मतलब होगा कि अगर हम इस जगह से या इस जगह से कहीं भी देखते हैं तो हर जगह मीठापन जो है बराबर लगेगा। क्यों मीठापन बराबर लगेगा, क्योंकि जो शुगर है हर जगह बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका, ठीक है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसका, शुगर का वाटर में डिस्ट्रीब्यूशन अगर हर तरफ इक्वल है, यूनिफॉर्म है, तो ऐसे मिक्सचर को बोल देते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और अगर ऐसा
और अगर ये जो है यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा कि वाटर में क्या मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं या फिर सॉल्ट मिला देते हैं। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा कि वाटर में ही हम मिला देते हैं सॉइल को, ठीक है। सॉइल मिट्टी को अगर मिला देते हैं तो उसका जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहीं पे सॉइल ज़्यादा होगा, कहीं पे सॉइल कम होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये टोटल था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के डिटेल पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।